नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसल्टेंट मैं आज फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा आप भी अपना कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूरा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से मैसेज लिखा हुआ होना चाहिए ताकि उसका जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए पूर्णिमा जी का मैसेज है इन्होंने लिखा है साउथ वेस्ट में मेन डोर के क्या उपाय हैं देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो अपना मेन गेट लगा हुआ है आपने जो कहा है कि साउथ वेस्ट में लगा हुआ है अब मेरे को ये मालूम नहीं है कि आपका मेन गेट साउथ वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा हुआ है या वेस्ट वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा हुआ है या आपका प्लॉट की फेसिंग आपके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट है एक कॉर्नर में वेस्ट आता है और एक कॉर्नर में साउथ आता है तो ऐसे में आपका अपना मेन गेट साउथ कॉर्नर में लगा है या वेस्ट कॉर्नर में लगा है या साउथ वेस्ट मिड में लगा हुआ है ये मेरे को मालूम नहीं है मैंने साउथ वेस्ट के गेट के बारे में बहुत सारी वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है आप मेरी उन सभी वीडियो को देख कर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि जब तक कोई पॉइंट प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो आपका मैसेज मेरे पास प्रॉपर नहीं आएगा तो मैं उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाऊँगा आप अपना जो भी मैसेज लिखे वो प्रॉपर तरीके से लिखे प्रॉपर समझ आना चाहिए कि आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जो चीज़ आपने लिखी है जैसे साउथ वेस्ट में मेन गेट हो तो उसके बारे में उपाय बताएं तो आप मेरी वीडियो और देख लीजिएगा या मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने मैसेज को एक प्रॉपर तरीके से टाइप करके मेरे को दोबारा भेजेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो दोबारा से आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा मैं आपको साउथ वेस्ट में गेट होने का उपाय बता रहा हूँ सबसे पहले तो आपको अपने गेट के नीचे एक पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक एक दहलीज़ बनानी है दहलीज पिलर के लेफ्ट से लेकर राइट तक कंप्लीट होनी चाहिए और दहलीज़ की जो मोटाई है वो कम से कम एक इंच होनी चाहिए और दहलीज़ की जो चौड़ाई है वो कम से कम तीन से चार इंच की रखेंगे तो उस वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी यदि आपकी गाड़ी वहाँ से अंदर और बाहर निकलती है तो दहलीज की जो चौड़ाई है वो तीन से चार इंच की ज़रूर रखें। इसी के साथ जो आपका अपना मेन गेट है यदि जाली वाला है तो उस गेट को आप सॉलिड जरूर करें सॉलिड कैसे कर सकते हैं आप अपने गेट के अंदर की साइड या बाहर की साइड शीट से पैक करें वो शीट आपकी लोहे की है एम एस की है या स्टील की है या आपकी अपनी फाइबर की है कुल मिला के जो आपका गेट जाली वाला है वहाँ से एयर क्रॉस नहीं होनी चाहिए आप अपने घर में ऐसा करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा आपका घर साउथ फेसिंग है और आपका गेट साउथ वेस्ट में आता है तब भी आप ये उपाय करें और आपका घर वेस्ट फेसिंग है और आपका गेट साउथ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर आ रहा है तब भी आप ये उपाय जरूर करें ऐसे ही आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है उसमें गेट आपका सेंटर में मिड में आता है तो भी आप ये उपाय ज़रूर करें ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा आप भी अपनी किसी साइट के प्रति कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा आप अपना जो भी मैसेज लिखे वो प्रॉपर तरीके से जरूर लिखें ताकि मेरे को प्रॉपर तरीके से समझ आए और उसका रिप्लाई मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे पाऊँ आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार